देश के चर्चित घोटालों में से एक रेल टेंडर घोटाला मामले में लालू यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को नियमित जमानत दे दी है। इन सभी को ये जमानत 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके और प्रत्येक की जमानत राशि पर मंजूर की गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। नियमित जमानत के बाद तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर मिलीभगत कर लालू यादव और उनके परिवार को बेवजह फंसाने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा, आप बीजेपी के साथ रहे तो राजा हरीशचंद्र के रूप में नवाजे जाएंगे, अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे तो CBI का केस होगा। बीजेपी के दबाव के चलते CBI ने केस किया और मुझे व मेरे परिवार को फंसाया। बीजेपी नेता सुशील मोदी, PMO के एक अधिकारी और बिहार के मुख्यमंत्री का CBI पर दबाव था कि हम लोगों पर फर्जी मुकदमा किया जाए ताकि नीतीश कुमार के लिए रास्ता खुल जाए व जनता के बीच बोल सके कि वापस बीजेपी के साथ क्यों गए। आपको बता दें कि साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने रेलवे के पुरी और रांची स्थित BNR होटल के देखरेख के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को स्थानांतरित किया था। CBI के मुताबिक नियम कानून को ताक पर रखते हुए रेलवे का ये टेंडर विनय कोचर की कंपनी मेसर सुजाता होटल्स को दे दिए गए थे और इसके एवज में लालू यादव को इस कंपनी ने पटना में 3 एकड़ जमीन मुहैया कराई थी। इस मामले में CBI ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पूर्वांचल की लगातार ताज़ा अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।